हेलो हेलो गाइस, हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विश्वरंजन स्वाइन। मैं आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरा चैनल ओमी मल्टीमीडिया में। आज का जो टॉपिक है फॉर प्रॉप्स मॉडलिंग, किस तरीके से माया में आपको प्रॉप्स मॉडल कैसे क्रिएट करना है। आई थिंक माया में बहुत सारी आर्टिस्ट, बहुत सारी लाइक सी वो लोग बहुत डिफरेंट वे में डिफरेंट प्रॉप्स बनाते हैं। सो नो डाउट जस्ट तरीका, टेक्निक ऑल सबका डिफरेंट है। ऑप्शंस यूज़ करने का तकरीक, किस तरीके से आपको इसको बनाना। लेट्स सी, स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से प्रॉप्स डिज़ाइन करना माया में। लेट्स सी। ये मेरा लाइक सी आउटपुट है, ये मेरा प्रॉप्स है। जस्ट सी, दिस इज़ माई फाइनल आउटपुट। मैं इसको किस तरीके से बनाना है मैं आपको बना के दिखाऊंगा। किस तरीके से ये प्रॉप्स आपको क्रिएट करना है। आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल माई ऑल्सो सम सर्टन रेफरेंस फॉर रिलेटेड। दिस इज़ माई आउटपुट फॉर द सेम मॉडल। आई जस्ट बी क्रिएटेड दिस वन फॉर द यूजिंग ऑक्लूजन एंड अगेन वायरफ्रेम मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी। आई चूज सम सर्टन रेफरेंस फॉर दैट। दिस इज़ माई रेफरेंस मॉडल। इसको देख के मैंने मॉडल बनाया। दिस इज माई प्रोस्पेक्टिव मॉडल। नो डाउट, दिस इज ओनली फॉर द मॉडल। आई जस्ट बी शो यू हाउ टू क्रिएट द सच टाइप ऑफ दिस टाइप ऑफ मॉडल। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट बी रिमूव एवरीथिंग। लेट्स बी डिलीट एवरीथिंग। लेट्स स्टार्ट विद द मॉडल। जस्ट रिमूव। दिस इज वेरी फ्रेश माया। दिस इज वेरी टेक्निकल सॉफ्टवेयर। नो डाउट। जस्ट मैंने इसके अंदर ग्रिड ऑन कर रहा हूँ। होपफुली जस्ट ग्रिड ऑन करो। लेट्स सी, स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर, स्टार्ट विद द मॉडल। लेट्स सी। ये मेरा रेफरेंस है, मुझे रेफरेंस बनाने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे, इज द फ्रंट पार्ट, दिस इज माई बैक पार्ट। आई स्टार्ट फ्रॉम दिस फ्रंट वन। किस तरीके से इसको आपको क्रिएट करना, दिस इज सम सर्टन बॉक्स। लेट्स सी व्हाट। आप ग्रिड यूज़ कर लीजिए। जितना एरिया यूज़ करना या आपको यहाँ पर आपको रख के देख के आपको करना, तो ऑब्वियसली आप कर लीजिए कि किस तरीके से चाहिए आपको। लेट्स सी, मैंने यहाँ पर कंट्रोल ये कर लेता हूँ। आप इसको थोड़ा सा आपको कस्टमाइज़ कर लीजिए। कितना चाहिए। देन अगेन दिस इज़ माई ग्रिड। लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट। सम सर्टन गो टू पॉली मॉडलिंग। मैं यहाँ पर आके सम सर्टन क्यूब ले लेता हूँ। अगेन अदरवाइज जस्ट वी क्रिएट, जाके पॉलीगन देने इंटरेक्टिव क्रिएशन। जस्ट क्लिक द इंटरेक्टिव क्रिएशन, देन अगेन जस्ट गो टू पॉलीगन, देन अगेन लेट्स सी फॉर द क्यूब। जैसे वंस मैंने क्यूब क्लिक करता हूँ, लेट्स सी। आपको क्यूब को जिस तरीके से क्रिएट करना आप क्रिएट कर लीजिए कि किस तरीके से आपको क्यूब चाहिए। ये मेरा क्यूब है। क्यूब में जाके मैंने इसका साइज़, ओब्वियसली नो डाउट आप ग्रिड का अंदर में रख के करिए। कभी भी साइज़ को आपको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेट्स सी, सिलेक्ट एंड ड्रैग, जस्ट बी सेट दैट। व्हाटएवर आपको कैसे चाहिए, किस तरीके से चाहिए, जस्ट इसको सेट कर लीजिए कि कैसे चाहिए। जस्ट मैंने यहाँ पर ले लेता हूँ। देन अगेन इसके बाद जस्ट सिलेक्ट करो। सिलेक्ट करके मैंने सम सर्टन यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। जिस तरीके से आप इसको सिलेक्ट करना है आप सिलेक्ट कर लीजिए कैसे चाहिए आपको। देन अगेन इसके अंदर मैं ओबियसली फॉर द वेवल, फॉर द वेवल। वेवल यूज़ करके आप इसके अंदर फ्रैक्शन, आप फ्रैक्शन को किस तरीके से और अगेन सेगमेंट कैसे चाहिए, कितना राउंड चाहिए, ओबियसली इसको सेट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपको राउंडनेस है। राउंडनेस आपको जितना चाहिए, जिस तरीके से चाहिए, इसको सेट कर लीजिए। सपोज आपको राउंडनेस ज़्यादा चाहिए, जस्ट इसको इसके अंदर में सेगमेंट के साथ फ्रैक्शन को आपको हैंडल कर लीजिए कि कितना मुझे इसके अंदर में फ्रैक्शन चाहिए। लेट्स सी सेकेंड। आई थिंक जस्ट मैं थोड़ा सा फास्टली कर रहा हूँ। जस्ट इसको सिलेक्ट है, देन एक्सट्रूड। जस्ट वी क्लिक द एक्सट्रूड, देन अगेन सिमिलरली जैसे स्केल। स्केल करने के बाद जस्ट डू वन थिंग फॉर द अगेन, जस्ट डबल क्लिक and again similarly I just be using for the bevel. I need to bevel in my self, just be click and save. Then again I think I need some certain bevel properties. Again I just be using for the fraction. Just do the fraction amount. Like see kitna aapko fraction amount rakhna hai. Then again let's see, I think that's good, cool. Let's see, do some certain supporting segment also. Click insert, then again just be using the supporting segment for the depth, for the like say smoothness. Just put some certain supporting segment, then again just be using 3. Once done, 3. Problem is for the down part. I just be again create the insert loop tool. This is my insert loop tool. I just be do that, then again similar. I just be click the again. Let's see for the extrude part. Select, just be using the extrude again. Let's see G,
for the repeat. So it has been using always G for the repeat in Maya or Maya command. So G for the last command, UI for last tool. You just be use this tool repeatedly, constantly. You can use that. So let's see. ये मेरा बन गया. So मैं इसको expand कर लेता हूँ. So जैसे expand करके आपको दिखाता हूँ. So इतना part मेरा ready हो गया. तो इसको मैं 3 press करो for the smooth के लिए. So आपको जिस तरीके से आपको smooth करना, so काफी better, काफी proper output आ रहा है. So मुझे जैसे चाहिए. So again आप इसको select कर लीजिए. आप इसको वर्टेक्स मोड में आपको जिस तरीके से एक्स वाई आप व्हाटएवर जैसे आपको हैंडल करना आप हैंडल करिए इसको कैसे चाहिए. सो नेक्स्ट फेज फॉर व्हाट फॉर मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ फॉर द दिस वन. सो ये जो पार्ट है इसका अंदर में आप जो देख रहे हो सो ये जो पार्ट है सो ये पार्ट बनाने के लिए आपको क्या करना है फॉर द पार्ट ऑफ सिलेंडर. सो मैं इसके लिए एक सिलेंडर ले रहा हूँ. सो अगेन जस्ट क्लिक विद द सिलेंडर. सो सिलेंडर लेके मैंने इसको सिलेंडर सेट करा. सो देन अगेन सिलेंडर क्लिक करो. देन अगेन लेट्स सी. सो 14 16 व्हाटएवर जो भी चाहिए. देन अगेन 0. सो वंस 0 करके लेट्स सी आई डू सिमिलर थिंग्स फॉर द 4 फॉर द वायर फ्रेम. सो लाइक सी जस्ट सिलेक्ट करके मैंने इसको जस्ट स्केलिंग कर लेता हूँ या अदरवाइज वर्टेक्स. सो देन अगेन जस्ट भी एडिशनली इसको कस्टमाइज कर रहा हूँ. सो लेट्स सी सिलेक्ट करके देन अगेन आर. सो आर प्रेस करके मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया. सो देन अगेन सेटिंग. देन अगेन वायर फ्रेम ऑन करना तो वायर फ्रेम ऑन कर लो फिर कैसे चाहिए. सो देन अगेन आप इसको सिलेक्ट करो. सिलेक्ट करके हाँ सिमिलरली मैंने क्या करो जस्ट मॉडिफाई. देन अगेन सेंटर फाइबर. सेंटर फाइबर करके सो जस्ट आप क्या करो इसको सिलेक्ट करो. सो लेट्स सी डन 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 डन. सो सो आई थिंक कूल ग्रेट. सो इंटरेस्टिंग. सो लेट्स सी व्हाट. सो जस्ट सिलेक्ट select then again extrude. So just do the extrude option. So then again let's see cool. So I think whatever. So again just the G again just repeat the G. So let's see using some certain bevel now. So just click on bevel little bevel width. So let's see fraction. So just reduce the fraction. So put the some certain segment. So if you need if you require you just put the some certain segment also. So same thing you just be using the shift I for the isolated. I just be using the shift I for the isolated. So just say go click. Click here again. Let's see select then again G. So just be using the G. So let's see use some certain insert loop tool. Click the insert loop tool. I'll just be use the sorry insert loop tool. So again some certain put the some certain insert loop tool. So then again click, then again 3. So I think hopefully it's cool. So now so just be 1. So I want some certain extrude for outer part. So yahan par thoda sa mujhe extrude chahiye. So like see in both side. So let's see just click with the what. So I just be select then again just be little bit rotate. So aap isko so is tarike se rotate kar raha hu. So rotate karke just select extrude. So then again extrude. So select and extrude. Once extrude so then again just be down the vortex part. So yeah edge whatever. So jis tarike se chahiye just down the part for what. So ye jo shape hai. So I think little bit size wise I think a little bit less hai. So इतना नहीं है. सो आई थिंक आप इसको सिलेक्ट करके आप जिस तरीके से रिड्यूस करना है सो जिस तरीके से कस्टमाइज करना है सो जस्ट डू दैट. सो फॉर द थिकनेस सो फॉर द लाइक सी आपको साइज को थिकनेस कम करने के लिए जस्ट वी डू दैट सेम चीज़. आप जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से करिए कि किस तरीके से चाहिए. सो लेट्स सी जस्ट डू. सो लेट्स सी अगेन जस्ट बी यूजिंग द 5 अगेन. सो लेट्स सी डन. So again same process you can also adhere otherwise मैं इसको mirror कर दूँ जैसे using the mirror. So first of all इसको करने से पहले just मैंने इसको और थोड़ा सा better कर लेता हूँ. So just click and just be using the better. So better so आप select then down. So then again इसको आप इधर ले लो. So आप जितना आपको distance लेना है लो लेके फिर again मैंने क्या करा जैसे इसको select insert loop tool. Then again इसको select insert loop tool. Then again select insert loop tool. So then again put some segment. So तो यहाँ पर जब मैं इसको smooth करूँगा so मेरा output में कुछ different नहीं आएगा कुछ problem नहीं आएगा just select 3. So now it's cool. So good I think cool. So let's see I want some so let's see आप यहाँ पर आके मुझे क्या करना है. So just select and then again just mirror.
सो मैं हाफ पार्ट डिलीट कर देता हूँ। सो या अदरवाइज यहाँ पर हाफ पार्ट डिलीट करने के लिए लेट्स सी गो विद द मल्टी, सो देन मल्टी कट, देन अगेन जस्ट बी यूजिंग फॉर द डिलीट फेज। सो व्हाट आई जस्ट बी सिलेक्ट एंड ड्रैग, सो डिलीट द राइट साइड पार्ट, सो देन अगेन सिलेक्ट सिलेक्ट, देन अगेन डी एंड वी, सो जस्ट बी यूजिंग द डी एंड वी, सो फॉर द स्नैपिंग, सो हाउ जस्ट बी क्लिक एंड डी एंड वी, सो अगेन जस्ट बी यूजिंग फॉर द मिरर, फिर हम मिरर फॉर द व्हाट एक्स, सो जस्ट बी क्लिक द एक्स वैल्यू, सो देन अगेन मिरर। सो आई थिंक सो लिटिल बिट इशू विद द व्हाट फॉर द, सो आई थिंक आई जस्ट बी पुट द वाई, सो पुट द जी, सो आई थिंक एक्स, बट आई जस्ट बी यूजिंग द प्लस वैल्यू, सो नॉट फॉर द माइनस, सो आई थिंक प्लस इज अ बेटर ऑप्शन। सो सो लिटिल बिट कन्फ्यूजन, बट कूल, नो इशू, नो प्रॉब्लम। So I think good. So now what we select, then again control backspace. So cool. So done. So same process, just be using the entire model.